हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं राइज एंड फॉल ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो वैसे जो जितना भी डिटेल है वो तो हम लोग कर चुके हैं, उसका जो ओरिजिन है, फीचर्स हैं, सब कर चुके हैं। लेकिन हमको ये ऐसा लगा कि इसको भी करा देना चाहिए, क्योंकि एक जगह हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें आया था कि कौन कौन से मुगल एम्परर्स थे। तो अगर कहीं पे आपको ये शॉर्ट नोट में आ जाए कि जरा सा उसका उनका रेफरेंस देते हुए आप इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बताइए, तो हमने सोचा कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है इसलिए इसको भी कवर कर देते हैं। तो अब ये राइज एंड फॉल ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग हम लोग करते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने अपने दोस्तों को बता सकते हैं उन लोगों को बोलिए कि इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। आप लोग जब इसको देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत एफर्ट्स में लगाया जा रहा है और मेन एम है कि आप लोग को जितना बेस्ट पहुँचा सकते हैं उतना पहुँचाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कई चैनल्स हम देखते हैं जिसमें कि ऐसा भी होता है कि मतलब इतना अच्छे से डिटेलिंग से काम नहीं हो रहा है। और लेकिन हम चाहते हैं, मेरा मेन एम है कि हम बच्चों को बेस्ट पहुंचाएं, वो चाहते हुए हम इसको अपना आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और आपसे भी चाहते हैं कि आप भी अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, अपने जूनियर्स को बताइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें और इसका लाभ उठा सकें और इस चैनल की विजिबिलिटी भी बढ़ सके और लोगों को पता भी चले कि ऐसा भी कोई चैनल है जहाँ पर वो अच्छा कंटेंट उनको मिल सकता है। तो अब आते हैं राइज एंड फॉल ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो अब आता है जो कि अगर आपको जो मुगल के जो एम्परर्स हैं वो अगर याद ना रहते हों कि कौन सा एम्परर पहले हुआ था, कौन सा एम्परर बाद में हुआ था, तो उसके लिए एक जो जैसे बोलते हैं एक्रोनिम होता है कि जब कि आपने कोई नाम ढूंढ लिया और एक उसी से ही आपने सारा सीक्वेंस याद करने की कोशिश करी। तो उन बच्चों के लिए जो थोड़ा हिस्ट्री में इतने अच्छे नहीं हैं और उनको सीक्वेंस नहीं याद है, वैसे तो अगर जिन्होंने फाइन आर्ट्स ली होगी, जो ह्यूमैनिटीज़ लिया होगा उनको तो पता होगा, लेकिन अगर दूसरे बच्चे जो दूसरे स्ट्रीम से हैं और वो हिस्ट्री भूल चुके हैं, तो उनके लिए ये एक हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है जो कि आप याद रखिए, भाज बी बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर एंड जे फॉर जहांगीर। तो ये हुआ भाज और दूसरा क्या हुआ शाहजहां और औरंगजेब। तो आप कई बार आजकल तो न्यूज़ जो सुनते होंगे तो उसमें आप भाजपा तो सुनते होंगे, तब आप याद कर लीजिए भाजपा, तो उससे भाजसा, तो भाजसा से आपको जितने भी मुगल एम्प्रेस या होंगे उनको आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा और आपको लिखने में भी आसानी होगी। तो पहले भाजसा का पहले होता है बा, तो बा से कौन सा हुआ बाबर, और बाबर कौन थे जिन्होंने यहाँ पे मुगल एम्पायर शुरू किया। अब बाबर के बाद आए हुमायूं। अब हुमायूं ने क्या किया कि हुमायूं कुछ सालों के लिए बाहर गए हुए थे, एक्साइल में थे, और जब वो वापस आए तो अपने साथ दो बहुत फेमस पर्शियन आर्टिस्ट को साथ में लाए, और वो दो पर्शियन आर्टिस्ट थे मीर सैयद अली एंड अब्द अल समद। और ये जो पेंटिंग्स थे इन लोगों के, ये जो उनका जो पुराना स्टाइल अभी तक इनका चल रहा था पेंटिंग से, उससे थोड़े जो पर्शियन स्टाइल का जो जो आर्ट फॉर्म चल रहा था उससे थोड़े अलग थे। और क्योंकि जो अलग थे, इस अलगपन ने एक नया फॉर्म ऑफ पेंटिंग को जन्म दिया जिसका नाम था मुगल पेंटिंग। अब आया भा तो हो गया, अब आ है, आ से अकबर। अब हुमायूं के डेथ के बाद उनका जो बेटा है अकबर, उसने अपने जो पापा का जितना भी कलेक्शन था, जितनी पेंटिंग का जो लाइब्रेरी थी, उसको और आगे बढ़ाया। उन्होंने खूब इंटरेस्ट आर्ट में दिखाया और मुगल पेंटिंग है उनके राज्य में बहुत आगे तक बढ़ी, और जो बढ़ने के साथ साथ उसमें और डेवलपमेंट भी हुआ और इवॉल्वमेंट भी हुआ। और जो अकबर थे उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स को क्रिएट करने के लिए वो अपने आर्टिस्ट को बोलते थे, और सिर्फ बोलते ही नहीं थे, वो उनके जो क्रिएशंस थे उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करते थे, क्योंकि उनका हमेशा यही उद्देश्य रहता था कि जो आर्टवर्क है उसका जो फाइनल आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो उसकी डिटेलिंग में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। और अकबर के जो दरबार था उसमें बहुत सारे पेंटर्स, अच्छे अच्छे पेंटर्स हुआ करते थे। अब भा हो गया, भा के बाद कौन आया जा, भाज।
तो अब जा से हुआ जहांगीर। तो अब जहांगीर क्या है, जहांगीर जी अपने फादर की तरह उनका भी बहुत इंक्लिनेशन था, वो भी आर्ट में बहुत ध्यान देते थे और उन्होंने भी जो मुगल जो फॉर्म ऑफ आर्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी और जो मुगल पेंटिंग है वो जहांगीर के राज्य में भी काफी आगे बढ़ा। और जो जहांगीर थे उनका जो था उनका यूरोपियन उनको जो उनके उन, उनके वो यूरोपियन पेंटिंग पे वो ज्यादा उनको इंक्लिनेशन था, तो इसके कारण पे जो मुगल पेंटिंग्स हैं उनमें भी यूरोपियन पेंटिंग का थोड़ा थोड़ा असर दिखने लग गया। और उन्होंने जो अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको बोला कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट हैं उनका जो सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है उसको आप भी फॉलो करिए। तो इस तरीके से जो इस तरीके में जो सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर एक रोड है जो आप देख रही हैं और दोनों रोड के दोनों तरफ अगर घर बने हुए हैं तो जो आर्टिस्ट है वो उसको अपने एक सिंगल पॉइंट और जहाँ पे वो बैठा हुआ है उधर से उस नज़रिए से देखेगा तो आगे से वो जो रोड होगी वो चौड़ी बनती जाएगी और जैसे जैसे एंड दूर होता जाएगा वो नैरो होती जाएगी। तो ये होता है सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव और ये यूरोपियन आर्टिस्ट इसको बहुत यूज़ करते थे। तो ये जो जहांगीर थे उनको ये उसको जो सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको बोला कि वो भी इस अपनी पेंटिंग्स में इसको डालें और इसीलिए ये सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव को भी मुगल पेंटिंग में इस्तेमाल करने करा जाने लगा। अब हो गया भाज तक तो खत्म हो गया, अब आया सा। अब सा सा से कौन हुआ, शाहजहां। अब शाहजहां क्या थे कि अपने फादर की तरह शाहजहां की भी जो जो इंक्लिनेशन था अपने अपने जैसे जैसे उनके फादर थे वैसे उन्होंने उनका भी इंक्लिनेशन आर्ट की तरफ था और उन्होंने भी मुगल आर्ट को बढ़ाने का पूरा काम। लेकिन जो इनके फादर का जो इंटरेस्ट था वो था आर्ट मतलब फाइन आर्ट्स की तरफ पेंटिंग की तरफ, लेकिन शाहजहां का मन जो पेंटिंग से ज़्यादा उनका मन आर्किटेक्चर में लगता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाई और उन्होंने जो जो शाहजहां मुमताज का जो एक वो ताजमहल है वो तो सभी जानते हैं, तो उनको आर्किटेक्चर पे उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया। तो थोड़ा कह सकते हैं कि शाहजहां के आने से जो पेंटिंग्स में जो इम्फेसिस था वो तो थोड़ा कम हो गया लेकिन आर्किटेक्चर पे जो इम्फेसिस था वो बहुत बढ़ गया। तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि मुगल स्कूल पेंटिंग्स का शाहजहां के आने से थोड़ा सा फॉल शुरू हो गया था। अब आया भाजसा। तो सा का जो है तो उसमें क्या है कि जो औरंगजेब थे, जो औरंगजेब जो वो आए औरंगजेब तो वो पूरे कट्टर मुस्लिम पंथी थे, तो उन्होंने उनके उन्होंने बिल्कुल भी आर्ट को आगे बढ़ावा नहीं दिया। और इस तरीके से जो मुगल स्कूल जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है वो औरंगजेब के साथ साथ वो भी खत्म हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि जो मुगल स्कूल ऑफ आर्ट था वो मुगल से ही शुरू हुआ और मुगल से ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने को आए तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप बाकी भी आप मेरे वीडियोस वॉच करिए, अभी और भी अभी हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं जिसमें कि हम लोग करेंगे सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन मुगल स्कूल एंड राजस्थानी स्कूल। तो वो अभी नेक्स्ट लाएंगे, उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा और खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, बेस्ट ऑफ लक। और इस टू एंड विद इस चैनल को अपने दोस्तों को रिकमेंड करना नहीं भूलिएगा और कमेंट दीजिए जिससे कि हमको भी लगे, हमको भी मोटिवेशन लगे कि आपने मेरे जो वर्क है उसको पसंद किया और आपको समझ में आ रहा है, बेसिक ये समझ में आए कि आपको जो फॉर्मेट है जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है। और अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मंडी सब स्कूल है तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या थे। तो ये जो कुल्लू मंडी एरिया में ये जो फोक स्टाइल पेंटिंग्स, फोक स्टाइल मतलब जो एक नेचुरल वहाँ पे जो लोग सब लोग पेंटिंग करते रहते हैं उसको फोक स्टाइल पेंटिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे फोक स्टाइल पेंटिंग बॉक्स है, बॉक्स 3.11
जो है बाउंड बाय ऑनर है। तो इसमें देखते हैं कि जो कास्ट पंचायत हैं वो कभी कभी ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि वही डिसीजन देने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और वही मॉरल तय करेंगे कि सही क्या।